हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो ये वीडियो है गुरुवार की, क्या करूँ, बहुत सोचती ना एडिट करने के लिए, लेकिन क्या करूँ, मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिलता एडिट करने का। तो यहाँ पे देखिए, सुबह का सारा काम मैं सब कर चुकी थी और फिर नहाने धोने के बाद पूजा वूजा सब करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए मैं कर ले रही थी चोटी, और चोटी में ना आज मेरे बाल इतना इलझ रहे थे जिस वजह से मैं इतना बाल पूरा छोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ पैर लगा ले रही हल्का सा तेल, और मैं ना ये नहीं देखती कि तेल लगाने क्रीम मुझे जो मिलता है ना, मैं अपना वही लगा लेती हाथ पैर चाहे मुँह पे हुआ। तो यहाँ बस हल्का सा मैं तेल लगा ली थी, और यहाँ पे देखिए मैं आलू टमाटर की बना दी थी सब्जी और पराठा, तो इनको सबको टिफिन उफिन लगा के दे दी थी, और शिवांश का भी खाना सब बना दी थी ना, लेकिन उसको ही तबीयत नहीं सही थी, उसे हल्का सा फीवर आ रहा था क्योंकि उस दिन दुर्गा विसर्जन था ना परसों, तो वो नहाने के बाद मतलब करीब 4 बजे करीब वो शाम को नहा लिया था, जिस वजह से उसको फीवर आ रहा है। तो यहाँ पर फिर देखिए मैं कर रही हूँ अपना टिफिन पैक, और मैं ना बस थोड़ा सा आलू टमाटर की सब्जी ले ली थी और 2-3 पराठा अपने टिफिन में रख ली थी, और यहाँ पे फिर अपने नाश्ता के लिए भी देखी ले ली थी, साथ ही रख दी थी चाय, और चाय रखने के बाद यहाँ पे देखिए चाय मेरी अच्छे से पक गई थी, इसमें चीनी डाल के, और अपने मम्मी के लिए निकाल ले रही हूँ चाय, और चलूँगी मैं भी नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता वास्ता करने के बाद अब फिर मैं रख ले रही हूँ अपना सा टिफिन, क्योंकि ना मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा लेट, यहाँ से करीब मुझे 8 बजे निकलना रहता था। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा आधार कार्ड वगैरह था सब इसी थैली में रह गया था, ये सब ना मैं हाई पे रख दे रही थी गद्दा के नीचे, क्योंकि अब तो मुझे इसकी ज़रूरत थी नहीं, बाकी थोड़ा सा चेंज रख ली थी, और अपना मोबाइल वोबाइल सब लेके, और अब चलूँगी मैं भी अपने ड्यूटी पे, और ना इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत पड़ जाती है। तो एक सिस्टर थी तो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी अपने पहले दिन के बारे में कुछ बताए, तो पहले दिन मैं जब गई थी वहाँ पर, तो पहले दिन ना मैं 12 पीस बनाई थी, वहाँ पर ज़्यादा करके ना कुशन कवर बहुत बनता है जो कि बाहर जाता है, यहाँ यूज नहीं होता है वो कुशन कवर ना सारा बाहर जैसे दुबई या इस तरफ इस सब जगह जाता है, तो जिस वजह से ना वहाँ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कढ़ाई की जाती है, हद से ज़्यादा वहाँ पे कढ़ाई होती है, हर एक एक मतलब पॉइंट पे ध्यान देना रहता है। तो पहले दिन तो मैं 12 पीस बनाई थी, लेकिन अभी वो मेरा पीस चेक नहीं हुआ है, जब चेक होएगा तो जो भी कमी होएगी ना तो फिर पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए सुबह फिर चली गई थी मैं टिफिन उफिन लेके, तो उसके बाद करीब मैं 8 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ, और शाम को आते आते मुझे 7 बज जाते हैं, कभी 7 बज जाता है, कभी 6:30, कभी 7:45, या कभी 7:15, जी गाड़ी के हिसाब से रहता, जिस दिन जल्दी गाड़ी मिल जाती है जल्दी आ जाती हूँ, जिस दिन थोड़ा लेट से मिलती है तो फिर लेट से आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शाम को मैं आ गई, तो देखिए जो सुबह खाना बना के गई थी ना, तो पूरा रोटी वोटी तो सब ऐसे ही था, ज़्यादा रोटी थी, तो बस मैं आलू प्याज की भुजिया बना दे रही थी, और थोड़ी सी बस मम्मी और शिवांश के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ना आज ये भी नहीं आएंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो दोपहर में सारा बर्तन उर्तन था ना सब धुल के, ये वाला बर्तन तो मैं धुल के गई थी सब सुबह, तो मैं सोची सुबह तो मैं लगा नहीं पाई थी ये सब बर्तन, इतनी समय ना सारा बर्तन मैं स्टैंड में लगा दी, अब इतना समय नहीं मिलता कि मैं घर के और भी काम पर ध्यान दे सकूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब बर्तन लगाने के बाद, और आटा थोड़ा सा लगा के रख दी थी, अरे सॉरी आटा कह रही हूँ, और यहाँ पे देखिए मम्मी ना जो बर्तन दोपहर में सब धुली थी, जो प्रिंसिलों का टिफिन उफिन था, और जो भी गिलास उलास जो भी था छुट मुट बर्तन, बाकी का बर्तन ना मम्मी यहाँ चापाकल पे धुल के रखी, तो ये भी सारा बर्तन मैं ले जाऊँगी, बर्तन स्टैंड में लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर पड़ा रहता ना हाथ धुलते समय सारा छींटा पड़ता, तो उसके बाद बर्तन वर्तन लगाने के बाद फिर देखिए मैं थोड़ा सा बस आटा लगाऊँगी मम्मी और शिवांश के लिए, तो इनको सबको भी आटा लगा के, और चलूँगी मैं रोटी सेक दूँगी। और ना इतना जल्द मतलब इतनी अब मुझे मेहनत पड़ जा रही कि मुझे हद से ज़्यादा मेहनत पड़ जा रही है, एक बार सुबह 4:30 बजे कर कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो उसके बाद यहाँ का घर का सारा काम उम करके मम्मी लोग के लिए खाना पीना सब बना के, तो फिर मैं निकल जाती हूँ। और यहाँ पे फिर देखिए मेरी हो गई थी रोटी भी सीख गई थी पूरी, बस ये लास्ट की एक रोटी रह गई थी, तो वैसे भी सेक लूँगी और फिर चलूँगी दे दूँगी मम्मी को खाना। सुबह
तो यहाँ पे देखी ना, मैं मम्मी के लिए निकाल दे रही हूँ खाना। अभी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अब मैं ये खाना निकाल के मम्मी को ना उसके बाद फिर मैं चलूंगी थोड़ा सा एडिट का काम करूंगी। अब ये सब का भी ना मुझे समय बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी चलो खींच रही हूँ, जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगी, और नहीं होएगा तो फिर कहाँ से करूंगी। क्योंकि एक साथ तीन तीन काम करना ना कोई आसान काम नहीं है, प्लस एक तो पूरा दिन वहाँ बीत जाता है नौकरी पे, उसके बाद सुबह घर का भी काम रहता है, फिर मोबाइल का भी काम रहता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मोबाइल में अब समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और वहाँ पे जाने पे ना, नौकरी में जाने पे ना पता चलता है, जब एक औरत घर से बाहर निकलती है ना तो उसकी वैल्यू क्या होती बहुत पता चलता है, बहुत मेहनत पड़ती है वहाँ पर। यहाँ पे देखिए मम्मी को आ गई थी खाना देने, और मम्मी आगे वाले कमरा में थी तो मैंने वहीं पे खाना दे दी थी, क्योंकि मम्मी भर हैं और इतनी समय ये नहीं आएंगे, क्योंकि ना हमारे बगल में बहुत बड़ा भरत मिलाप लगता है, तो जिस वजह से इनकी दुकान वहीं पे है ना, तो आज रात भर पूरा वहाँ पे मेला लगा रहेगा, तो इसलिए नहीं आए हैं। आज ये आना होगा तो कल सुबह ही आएंगे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा खाना पीना नहीं बनाना था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी को खाना पीना देने के बाद, उसके बाद हम लोग भी खा लिए थे। यहाँ पे मैं भिगो दे रही हूँ थोड़ा सा चना सुबह के लिए, सुबह ना इसी की सब्जी बना दूंगी, रोटी सेक दूंगी, मम्मी लोग के लिए भी हो जाएगा, मेरे टिफिन के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चना भिगो के, और मैं सिवांश को दे दूंगी दूध, क्योंकि दूध तो ज़्यादा है नहीं, सबको दूंगी, और सिवांश को फीवर हो रहा है ना तो दवा खाया है, इसीलिए बस थोड़ा सा सिवांश भर को एक गिलास दूध दे दे रही हूँ, बाकी थोड़ा सा दूध रख दूंगी कल दिन भर चाय के लिए, क्योंकि अब कल रात में ही दूध आएगा, अगर ये सुबह आ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर कल शाम को ही दूध आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दे दे रही हूँ सिवांश को दूध गर्म करके। तो यहाँ पे ना सिवांश को दूध दूध देने के बाद, अब देखिए यहाँ की मैं लाइट कर दे रही हूँ बंद, और आंगन की भी लाइट कर दूंगी सब बंद, उसके बाद फिर मैं अभी चलूंगी, फिर अपने मोबाइल का काम करूंगी, एडिट तो थोड़ी देर पहले करी थी आधा, अब बस आए और फिर करूंगी, उसके बाद करूंगी वॉइस रिकॉर्ड। इतनी तेज आज प्यास लगी थी ना, अब पहले दिन, हाँ सब पूछ रहे थे कि मेरा पहला दिन कैसा रहा नौकरी का, तो मेरा पहला दिन नौकरी का ना सच पूछो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पीस तो खैर मैं बनाई थी 12, लेकिन पहले दिन मैं सुबह से गई 8 बजे से गई शाम 6 बजे तक, मैं बिना पानी के और बिना खाए पी रहा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ पे मतलब मेरे से काम करवाएंगे कि आज ही से ज्वाइनिंग है, बस मुझे कहे थे कि चली आना, तो फिर मैं सोची थी कि बस ऐसे ही बुलाए होंगे किसी काम से, जिस वजह से मैं कोई टिफिन उफिन भी नहीं लेके गई थी। अब पहला दिन ना मेरा बस ऐसे बीत गया था, मैं इतनी तेज़ भूख, इतनी तेज़ प्यास, चाय की तलब इतनी लगी थी ना, एक तो वहाँ पे ना चाय के लिए अपना बर्तन ले जाना रहता है, तो उसके बाद फिर ये देखिए ये है शुक्रवार की वीडियो, और इसमें ना आज मैं सुबह का कोई ब्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि ना सुबह क्या हुआ कि मेरी आँख खुली 6 बजे, और जल्दी जल्दी बस वही चना की सब्जी बनाई थी और कुछ नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा सा वही चना लेके चली गई थी, तो मम्मी दोपहर में अपने उसी के साथ चावल और रोटी बनाई थी, मैं कुछ भी नहीं करी थी, बस काम उम करके चली गई थी। तो ये थोड़ा शाम का था, थोड़ा सा वीडियो बस शूट कर ली थी। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं बना दी थी लौकी और पालक की सब्जी इनके लिए, और थोड़ी सी रोटी सेक ले रही, बाकी थोड़ी सी मतलब एक छोटी वाली से एक कटोरी चना की सब्जी बची थी, तो उसी से मैं खा लूँगी, क्योंकि ना मुझे पालक बिल्कुल नहीं पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ये सब कर लूँगी, और इसी तरह से ना मेरा पहला दिन था, मतलब बिना खाए पिए पूरे दिन मेरा बीत गया था। हाँ तब दूसरे दिन से मुझे पता हो गया, मैं अपने लिए एक कप लेके जाती हूँ चाय के लिए, और फिर अपने टिफिन भी लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं लगा रही थी आटा, और आप लोग से साथ साथ अपने काम के अभी विषय में बताए जा रही हूँ, तो